हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो आज नोएडा में मेरा आखिरी दिन है और मैं अभी निकल रहा हूँ। 2:30 की ट्रेन है तो मैं अभी अराउंड 1 बजे मैं आज अभी निजामुद्दीन जा रहा हूँ, तो जाकर ट्रेन पकड़नी है, तो मेरे को जल्दी जल्दी भागना पड़ेगा तेज़ी से। और नोएडा को आज बाय बाय रेबो बाय। तो भैया ने जज को मारने मारने का क्यों क्या हो गया? इतनी बकवास करते हो अपने आपको ये समझते हैं ऑडिशन में? क्या समझते हैं इनके? बड़ा भगवान नहीं है कोई यार, पता है ऐसा है, बाहर से देख के लगता है लेकिन वो अंदर बहुत सही है। पता है जब जर्नी में आप जाते हो ना तो इतना आपका साथ देते हैं, इतना कोऑपरेट करते हैं आपके साथ, वो जो चीज तुमको दिखता है ना वो दिखाने के लिए करना ही पड़ता है। देखो मेन तो थोड़ा बहुत टीआरपी के लिए मेन तो करण कुंद्रा को लगता है। करण कुंद्रा तो है ही नहीं ना इस बार। नहीं है, कहाँ है वो? दो सीजन पहले चले गए। अच्छा। आप कब से नहीं देखे हो रोड़ी? जब से लॉकडाउन चल रहा है, 1.5 साल से भैया। अच्छा, 1.5 साल से नहीं देखा। अच्छा, नेहा धूपिया? नेहा धूपिया मैम तो है, है? है नेहा धूपिया है। हवस की ठरकी औरत है। बाहर से पता नहीं हम लोग कैसे जज कर लेते, क्या सोच के मतलब आपको ऐसा लगता है? देखा करो ना, कोई सा भी लड़का आता तो कैसे? और अरे यार, कहानी सुनानी है। हाँ। सिलेक्शन। हाँ। लड़के ने कुछ कर दिया और भाई उसके बाद तो ना डीएसपी एसपी भगवान मिनिस्ट्री जज सब वही बन जाती है अपने आप को। हिम्मत कैसे हुई? ये क्या अबे तू क्या है? अच्छा, बड़ की मेहमान है नहीं तू? तूने क्या करा है जिंदगी में? फ्लॉप हीरोइन एक नंबर की, 1 रुपए की तेरी इंडस्ट्री में वैल्यू नहीं भाई। पता है मैं तुमको अंदर की बात बताता हूँ। अच्छा, अब आप तो गए नहीं हो तो मैं बताता हूँ। जो नेहा धूपिया मैम आपको टीवी में दिखती है ना, उनसे कभी फेस टू फेस मिलोगे ना। अच्छा। इतनी फन लविंग इंसान है वो, इतनी फन लविंग। अच्छा। अगर तुम उनके साथ हो तुम समझ लो हंसे बिना रह नहीं सकते हो। अच्छा। बिना हंसे रह नहीं सकते हो, तुमको दुखी नहीं होने दे सकती हैं वो। स्क्रीन जो दिखती है उसी से इंसान जज करता है। हाँ, बस ये भी है, कोई नहीं सकता। हाँ, ये भी सही है। हमारे साथ क्या ना, जैसे आप बैठो हमें हर चीज की नॉलेज होती है, जैसे आप कुछ बता रहे हो, कोई कुछ बैठे, हमारे साथ अच्छे इंसान भी बैठे हैं, बुरे भी बैठे हैं, महा बुरे भी बैठे हैं। सही बात है। तो सबके मुंह से कुछ ना कुछ बात पता लगती रहती है, तो हमें सब नॉलेज रहती है। इतने मेडल ले आए हो, भैया पैसे का खेल। इज्जत के साथ साथ आदमी को पैसा भी तो चाहिए होता है गुरु। सब खराब कर लिया उसने। अब वो सारा खेल पता है 3 करोड़ के फ्लैट के लिए हुआ है, जो मॉडल टाउन वाला है। हाँ, वो 3 करोड़ के फ्लैट ने सारा गेम कराया है। पता नहीं कितना पैसा छाप चुका है वो, कितना पैसा देश ने उसे गर्व के नाम पे दे दिया, फिर भी हरकतें कर रहा है। भाई पैसों की भूख ना इंसान की कभी खत्म नहीं होती है, कभी नहीं खत्म होती। पैसा भी खत्म, फ्रेम भी खत्म, नाम भी खत्म, इज्जत भी खत्म, सब चीजें एक पैसे की भूख ने सब मिटा दिया उसका। आप रोडीज में रणविजय को भी जानते हो? रणविजय ही थोड़ा सही लगता है वो शुरू से है। एक रणविजय था और एक बढ़िया लगता था वो पहले जो 2 गंजे आते थे रघु राजू, उनकी गालियां सुनने में मजा आता था। तो फाइनली 10 मिनट पहले मैं पहुंच चुका हूं स्टेशन में, ट्रेन के अंदर है। पसीने आ गए भाई गर्मी में चलते 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 स्टेशन में, ढूंढते हुए ना हालत ही खराब हो जाती है धान। और ऑलमोस्ट ट्रेन खाली जाती है, देखो इस टाइम पे खाली होती है मेरी वही सीट। मैंने ये बिरयानी बता तो चुका हूँ कि अल नवाब की बिरयानी मेरी फेवरेट बिरयानी है। जो उसकी डम्पू बिरयानी जो टेस्टी होती है, जो टेस्टी होती है, मेरे को उसके अलावा लगता ही नहीं कोई बिरयानी इतनी अच्छी हो सकती है। तो अभी तुम अगर मौका मिले तो अल नवाब की बिरयानी खाना, डम्पू को भी मज़ा आ जाएगी। तो बिरयानी रख लीजिए, अब ये रात में खाऊंगा मैं 7 बजे पर ना। उस शिफ्ट पानी लगे, पानी बॉटल लाना भूल गया, कहाँ है पास में है कोई पानी बॉटल लाना है कोई? सामान छोड़ के पानी की बॉटल लेने तो जा रहा हूँ, बस पता चले आऊँ सामान ना पार हो जाए, फिर जल्दी जल्दी जाके जल्दी जल्दी ले आऊँ। भैया एक पानी की बॉटल ले दिए, एक बढ़िया मस्त वाली चीज़ बताता हूँ। मैं अभी पानी की बॉटल लेने गया जब, तो रेल नीर मिलती है यहाँ पर, मैं कैमरा ऑन किए हुए था, मतलब ब्लॉगिंग करने के लिए ऑन किया था कैमरा, तो उसको लगा मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो वैसे वे लोग ये लोग 20 रुपये काटते हैं, लेकिन जहाँ इसे देखा कैमरे की तरफ 2 बार कि मैं कैमरा ऑन किया हूँ, उसे फटाक से 20 काटने की जगह
सिर्फ 15 रुपए खाते हो तुरंत 35 रुपए वापस किया। वाह भाई कैमरे का जादू। जी टेरिटरी में कोई ना, इसलिए हमें सारी चीज़ें यूज़ कर लिए गए सब। अकेले जाएगा अपन, फैल के जाएगा सब सीटों में, पहले थोड़ी देर वाली सीट में। बहुत बड़े ब्लेंडर में फंस गया हूँ, ये पता नहीं सेम प्लेटफॉर्म पे, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे इसी का अनाउंसमेंट हो रहा था महाकौशल, और ये मैं राजस्थान जाने वाली ट्रेन पे फंस गया हूँ। अब मेरे को जाना है बाना, और ये जा रही है राजस्थान। अब पता नहीं, देख रहा हूँ कौन सा इंटरकनेक्शन वाला कोई स्टेशन मिलता है या नहीं, वरना फिर आगे जाके उतरना पड़ेगा, फिर वापस दिल्ली जाना पड़ेगा। बहुत भसूड़ी होती है, और ऊपर से मैं कुछ लिए हुए हूँ, अगर एसी नहीं रखा तो वो ख़राब हो जाएगा। देखो दिखाता हूँ, बहुत बुरी बस। 196 में बैठ गया हूँ, मेरे को जाना था मानिकपुर फेस्टिवल स्पेशल में, इसमें 02448 में। ये देखो रेलवे वालों लिखा, वही है वहीं जाती है, लेकिन रेलवे वालों की भसूड़ी की वजह से मैं फंस गया। रेलवे वालों की तो मैं इतना बड़ा क्लेम कर दूँ ना इनके ऊपर, इतना बड़ा केस कर दूँ, साले दिमाग की दही कर दी है पूरी। देखो वही लिखा, जबलपुर टू हजरत निजामुद्दीन, और जाए वहाँ रही है। आदमी फंसाया जाता ना तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता। देखो अब बताता हूँ कि ब्लेंडर क्या हुआ है। ब्लेंडर ये हुआ है कि मैंने देखो जो ट्रेन बुक करी वो ये थी 02448, ये देखो ये थी 02448, और मैं आ गया हूँ 02196 पे। तो रेलवे वालों की कोई गलती नहीं थी, गलती मेरी है कि मैं आ गया हूँ इस पे गलत। मेरे को लगा था मैंने दोपहर की ट्रेन बुक करी है, और एक्चुअल मैंने करी थी रात की ट्रेन बुक। पता नहीं कैसे उसमें हाथ लग गया, कैसे हो गई बुकिंग, तो वही है बस, थोड़ा सा ब्लेंडर हुआ मुझसे और मैं बहुत बुरा फंसा। मेरे को लगा, एक तो मेरे को लगा कि ये चली, ये जा रही है राजस्थान, तो मैं इस चक्कर में और मेरे को टेंशन हो गई कि अब मैं वापस कैसे जाऊँगा, लेकिन नहीं राजस्थान नहीं जा रही, ये भी बांदा ही जा रही है। मैं ट्रेन सही चढ़ाऊँ, बांदा जाने वाली ट्रेन है, लेकिन मेरा रिजर्वेशन जो है वो इसमें नहीं है, वो रात तक है। हाँ एक मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं मथुरा में उतर के वेट करूँ रात तक, जो मेरे को करना नहीं है, तो अब मैं टीटी से बात करूँगा और रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ मैं, तो अभी उनसे रिक्वेस्ट करूँगा और बोलूँगा कि सर प्लीज मेरे को जाने दो, मेरे साथ चीज़ें भी मतलब मैं देखते हैं जो क्या होता है, वो मानते हैं या नहीं मानते हैं। एनीवे मेरा खाना पीना का मतलब सब छूट गया था ये सीन सुनते ही, लेकिन मैं भाई की तरफ से प्रो टिप देना चाहूँगा, जब भी जर्नी के लिए कहीं भी निकलो तो हमेशा अपने ट्रेन टिकट्स, फ्लाइट टिकट्स पहले घर में एक बार रीचेक करके निकलो, कॉन्फिडेंस में, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत निकलो। नहीं मेरे को तो याद है, मेरे को तो पता है, जाने से पहले एक बार अच्छे से रीचेक करो, फिर उसके बाद निकलो। अपना बोर्डिंग टाइम, अपना अराइविंग टाइम, अपना ट्रेन नंबर, अपना फ्लाइट नंबर, जो भी है जैसा भी, पहले सब चेक करो फिर उसके बाद निकलो। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, क्योंकि मैंने आज मतलब वैसे बहुत भुगत लिया। ठीक है सिर्फ टीटी मेरे पास से गए, आगे गए हुए हैं चेक करने, मेरे को बोले वो कि देखो आप ऐसा करो कि दिल्ली से यहाँ तक का मतलब ग्वालियर तक का आप मेरे से टिकट बनवा लो, और ग्वालियर से बारा तक का आप टिकट खुद बुक कर लो अपने एंड से। मैंने कहा ठीक है, मैं को तो अब डबल चूना लगने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने संपर्क का भी बुक कर रखा है, वो वेस्ट गया। अब मैं इनको मैंने अलग से यहाँ से ग्वालियर तक के पैसे उठने की टिकट बनवाऊँ, फिर ग्वालियर से बारा तक का अलग, मतलब अराउंड मेरे को 2500-3000 की चपत लगने वाली है, और 2500-3000 की चपत लगने वाली है, बहुत तेजी वाली है। लेकिन इन्हें करना तो पड़ेगा ही, होगी वो मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कहो या मिस्टेक कहो, कुछ भी कहो, मेरी गलती थी कुछ भी कहो, मगर इस बार गए टीटी बहुत पोलाइट था, बहुत पोलाइट मतलब बहुत पोलाइट, हर उसने एक ऑप्शन दिया ऐसा कर लो, ऐसे ऐसा ऐसा कर लो, हर उसने मतलब एक कानूनी तरीके से कुछ तरह से लीगल तरीका होता है वो चीज़ बताई उन्होंने, ऐसे ऐसे आप करके कि कर सकते हो, तो ना आपको प्रॉब्लम हो ना मेरे को प्रॉब्लम हो, ना मेरे को पैसे ही है ना कुछ, डायरेक्ट आप जो गवर्नमेंट को जाता है वो आपको दो, मतलब बहुत सही बंदा था। एनीवे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, यहाँ से ग्वालियर तक ऐसे जाऊँगा टिकट करा के, ग्वालियर से मैंने टिकट करा लिया 12 तक का अपना आगे का, फिर वहाँ से प्रॉब्लम नंबर टिकट होगा, मेरी सीट बदल गई बस, ये जो 7 नंबर थी अब 7 की जगह 36 हो गई है। अभी हम छावनी पहुँच गए और रात के बज रहे हैं 9:23 ऊपर टाइम टेबल 21:23 अभी बज रहे हैं रात के 9:23 और हम पहुँच चुके हैं जल्दी। मेरे को लगी है जबरदस्त तारीफ, क्योंकि बिरयानी का पेट भरा नहीं है। मैं जा रहा हूँ अभी जाने कुछ खाने के लिए लाया जाए और एक पानी की बॉटल बना दे, क्योंकि जो मेरी पहले वाली पानी की बॉटल थी वो किसी दूसरे वाले बंदे की पानी की बॉटल साथ मिक्स हो गई है,
तो अब समझ नहीं आ रहा मेरी भी कौन सी उसकी बातें तो मैंने छोड़ दी, रिस्क नहीं दे सकती जा रहा हूँ बात करने। बाय बाय टाइम बांधा आ गया और अब हम उतर रहे हैं, जाके उतर जाए वरना छूट जाएगी ट्रेन रह जाएंगे। फिर एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया, ब्लंडर और ये ट्रेन आ गई है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे, जो कि कभी आती नहीं है, हमें से एक पे आती है, 2 पे आ गई है। और अब कार लेके पवन को इस तरफ बुला नहीं सकता, वरना तो उसको 3-4-5 किलोमीटर एक्स्ट्रा घूमना पड़ जाएगा, तब मेरे को ये ऊपर सामने वाली ब्रिज चढ़ के जानी पड़ेगी पूरी, तो चढ़ना पड़ेगा पूरा ब्रिज मेरे को ऊपर। अरे यार फालतू लंबा घूमना पड़ गया मेरे को। कम टू बांदा और हम बांदा आ गए हैं, स्वागत है आप सबका यहाँ पर। जैसे तुमको बुलाया जाता है ना वो काम किया कर, चलो मालिक आ गए, सामान रखो पकड़ो मालिक का। तो तुम गाड़ी चला लोगे कि सो जाओगे? चलाते चलाते सो रहे थे ना, चला लोगे? चलाऊं? तेल वेल ना देना बस कहीं चल है। मालिक से तमीज से बात करा कर, दहशत में रहो, दहशत में मालिक से तमीज से। तुमको बताया ही था पवन भाई की आ रहा हूँ 12 बजे। अरे सो गए थे तुम? मैं जाग रहा था बहुत देर, तुम जग कर रहा हूँ 11:30 तुम जग कर रहा हूँ मालूम है इतनी रात में कहे जग रहे हो तो है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग टू ये ब्लॉग, और मैं 2 दिन से नहीं सोया हूँ इसलिए जा रहा हूँ सोने, पहले नहाऊंगा फिर जाऊँगा सोने। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।